इंडिया वर्सेस श्रीलंका 3 RDT 20। भारत ने सुपर ओवर में दी श्रीलंका को मात। टीम सूर्य कुमार ने मेजबानों का किया 3-0 से सफाया। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर उसे ऑन कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करते हुए ये बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अपने कॉन्टेक्ट्स में वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जीत के लिए मिले 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय मेजबान टीम का स्कोर 115.1 ओवरों के बाद एक विकेट पर 110 रन था। मेजबान श्रीलंका के खिलाफ जारी सीरीज के तहत पल्लेकेले में मंगलवार को खेले गए बहुत ही रोमांचक तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने मेजबान टीम को सुपर ओवर में मात देकर उसका सीरीज में 3-0 से सफाया कर दिया। सुपर ओवर में श्रीलंका के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर फेंका। उनकी पहली गेंद जरूर वाइड रही, लेकिन अगली 3 गेंदों के भीतर ही श्रीलंकाई पारी 2 रन पर सिमट गई। नियम के हिसाब से परेरा और निसानका के 2 विकेट गिरते ही श्रीलंकाई पारी खत्म हो गई। 3 रनों का लक्ष्य का पीछा करने कप्तान सूर्यकुमार के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। स्ट्राइक सूर्या ने ली और उन्होंने तीक्ष्णा की पहली ही गेंद पर स्वीप से चौका जड़कर 5 गेंद बाकी रहते भारत को जीत दिला दी। इस तरह भारत ने मेजबानों के खिलाफ सीरीज में 3-0 से कब्जा कर लिया। इससे पहले रोमांचक T20 मुकाबला टाई में तब्दील हो गया। जीत के लिए मिले 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय मेजबान टीम का स्कोर 115.1 ओवरों के बाद एक विकेट पर 110 रन था। लंकाई बल्लेबाजों पर कोई दबाव भी नहीं था, लेकिन पिछले मैचों की तरह एकदम से उसकी पारी चरमरा गई। उसके साथ बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके। मेजबानों को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रन बनाने थे और उसके हाथ में 4 विकेट थे, लेकिन इतना होने पर भी श्रीलंका मैच नहीं जीत सका। हालात कैसे रहे यह आप इससे समझ सकते हैं कि रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव भी 2-2 विकेट लेने में कामयाब रहे। सुंदर और बिश्नोई ने भी 2-2 विकेट लिए और श्रीलंकाई टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 137 ही रन बना सकी और मैच टाई हो गया। पहली पाली में स्पिनरों के उम्दा प्रदर्शन के दम पर मेजबान श्रीलंका ने भारत को 139 रनों पर ही रोक दिया। श्रीलंका से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद तेवर तो जायसवाल 10 ने पिछले मैचों जैसे ही दिखाए थे, लेकिन मददगार पिच पर महेश तीक्ष्णा की चाल की भारतीय बल्लेबाजों पर भारी पड़ी। जायसवाल जल्द ही गए तो संजू सैमसन 0 भी फिर से मौका नहीं भुना सके और नहीं प्रोन्नत कर भेजे गए रिंकू सिंह 1 ही कुछ कर सके। कप्तान सूर्य कुमार यादव 8 पर औसत का कानून लागू होना ही थी। विकेट गिरते रहे, शुक्र है एक छोर पर गिल 39 टिके रहे तो पराग 26 ने उनका अच्छा साथ दिया। पहला मैच खेल रहे वॉशिंगटन सुंदर 25 ने हाथ दिखाए तो भारतीय टीम कोटे के ओवरों में 9 विकेट खोकर 137 तक पहुंचने में सफल रही। महेश तीक्ष्णा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए तो हसरंगा ने भी 2 बल्लेबाजों को आउट किया।